जब ही तथागत बुद्ध संतों में संत श्रोमणी सद्गुरु रहता जी महाराज, महर्षि वाल्मीकि, संत कबीर, गुरु नानक देव, गुरु घासीदास या तमाम वो संत जिन्होंने भारत की सतरी पर पैदा होकर के भारत के भूतों के लिए, महिलाओं के लिए सम्मान देने का काम किया, ऐसे तमाम संतों को नमन करता हूँ। अब मैं नमन करता हूँ भारत की सरजमीन पर जन्मे वो तमाम बहुजन महापुरुष जिन्होंने आज हम लोगों को मान सम्मान देने का काम किया, उन तमाम महापुरुषों को नमन करता हूँ। आज इस कार्यक्रम में मैं आया हूँ, आज हमारी बड़ी माता तुल्य है, या मैं कहूँ जो हमारे दादाजी हैं, इनकी जीवन कंदनी की बरसी है। मैं तथागत गुरु से संत श्रोमणी गुरु रहदास जी महाराज से अरदास करूँगा कि उनको अपने चरणों में स्थान दें। साथियों, चंद लाइनों में अपनी बात खत्म कर दूंगा। एक दौर वो था जब यहाँ की हवाएं सहारनपुर की हवाएं सहारनपुर की फिराएं भली मानवी के विरोध में, या मैं ये कह दूँ कि यहाँ का राजनीतिक स्तर, प्रशासनिक स्तर और बहुत सारा सामाजिक स्तर भली मानवी के पूर्ण रूप से विरोध में था। तो मैंने खुद देखा है कि सहारनपुर की सरजमी से एक व्यक्ति ऐसा था जो सही से चल नहीं पा रहा, लेकिन यहाँ के गृह सचिव के सामने डंडा उठाकर ये कहा था कि चंद्रशेखर आजाद हो, रतन हो, कमल वालिया हो, भी मानू या कोई भी पदाधिकारी है, ये मेरे बेटे हैं, अगर इनकी तरफ उंगली उठाई जाएगी तो उस उंगली का जवाब मैं उसी की तेजी से दूंगा जैसे वो कभी पहले दिया। तो मैं प्रतिमस्त होता हूँ, नमन करता हूँ कि उस समय जब हमें कोई पास नहीं बिठा रहा था, उस समय उन्होंने आशीर्वाद देकर अपना करने का काम किया, उसी ताकत से आज हम लोग खड़े। साथियों, सामाजिक व्यवस्था बदलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी, ये ऐसी ही प्रक्रिया है जो सन 1950 में बाबा साहब ने संविधान लिखकर बदलने की शुरुआत की, या माननीय साहब काशीराम ने 1978 में बामसेब को बनाकर के शुरुआत की, ये बदलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी, निरंतर शुरू हो चुकी है। सम्राट अशोक से लेकर और आज तक हर बार बहुजन मिशनरियों को दबाया गया, इनके राज को छिन्न भिन्न किया गया। एक बार फिर से आपके सहारनपुर की सरजमी से कोई शख्स निकला उस सम्राट अशोक के राज को स्थापित करने के लिए, शांति न्याय की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, समरसता समता मूलक समाज की स्थापना को स्थापित करने के लिए। अब आपको सोचना, अगर आप वाकई बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग, वाकई बुद्धिजीवी तक में मैं आपका भी नाम आने लगा, वाकई अब आप शोषण की लड़ाई के खिलाफ खड़े हो जाना चाहते हैं, तो आपको सोचना और समझना पड़ेगा। आज के टीवी चैनलों के माध्यम से समझना पड़ेगा आपको, आज के अखबारों के माध्यम से समझना पड़ेगा आपको, आज के सोशल मीडिया के माध्यम से समझना पड़ेगा कि आज बहुजनों की रक्षा करने के लिए कौन सबसे बड़ी ताकत देश में खड़ी है। अगर आप उस ताकत के आज कंधे से कंधा मिलाकर साथ ना खड़े हुए तो आने वाली नस्लें क्या कहेगी मुझे बताने जा सकता। मुझे पूरी उम्मीद है कि युवा का सहयोग मिला, माताओं का आशीर्वाद मिला, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला, और ये आशीर्वाद अब दिल्ली की गति से पहले मुझे नहीं लगता। तो मेरा एक ही निवेदन है यहाँ बैठे प्रत्येक साथी से, वो जाए ये समझ कर जाए कि वो भीम आर्मी का सबसे बड़ा सिपाही, वो जाए वो ये समझ कर जाए कि वो आजाद समाज पार्टी का भी सबसे बड़ा सिपाही, वो जाए वो ये समझ कर जाए कि वो देश में अकेला ऐसा व्यक्ति है जो इस देश की व्यवस्था को हिला कर सकता है, वो जाए वो बताए कि वो एक अकेला ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ के संविधान की रक्षा करता है, वो जाए वो ये बताए कि वो एक अकेला ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ के रिजर्वेशन की और दलितों के अधिकारों की रक्षा करता है। तो देखिएगा, आप जल्द देखिएगा इस व्यवस्था को बदलने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को सैकड़ों साल लगे, उस व्यवस्था को आप जल्द से जल्द 10 से 20 साल के अंदर बदलने का प्रयास करें, ये देखिए। और अगर ऐसा हुआ तो यह भी तय है कि भीम आर्मी उन लोगों को भी सम्मान देगी जिन्होंने कभी बेटियों तक का सम्मान नहीं किया, भीम आर्मी उनको भी सम्मान देगी, ये भी तय। हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम समतामूलक समाज की स्थापना करने वाले लोग हैं, हम न्याय और समृद्धि पर आधारित समाज को बनाना चाहते हैं, हम किसी का विरोध करके खुद को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, हम सिर्फ ये चाहते हैं जो गलत लोग हो
उनकी जगह जेल हो और जो सही लोग हो उनकी जगह तो ये था। ये तय है जिस जिस व्यक्ति ने न्याय संगत समाज की स्थापना करने का प्रयास किया उसको कोई हरा नहीं पाया। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण अगर कोई है आज भारत में कोई है या आपके सहारनपुर में कोई है तो शख्स का नाम चंद्रशेखर आजाद, उस शख्स का नाम भाई कमल सिंह वालिया, उस शख्स का नाम आप में से बैठे बहुत सारे लोग जो जेल की सलाखों के पीछे रहे हैं, वो कि इतने बड़े दमन की कार्रवाई के बाद जहां हत्याएं जेल में होने जा रही थी वो लोग नहीं। आज चंद्रशेखर आजाद जी का नाम जब आता है तो न्याय करने वाले लोग 10 कदम पीछे हटते हैं, नहीं चंद्रशेखर आजाद के लोग आए मुंह तोड़ दो। ये बड़ी जीत है बहुजन समाज के लोगों, ये बड़ी जीत है यहाँ के दलितों, ये बहुत बड़ी जीत है। अगर आज उड़ीसा में कुछ होता है तो वहां से भी एक आवाज उठती है भीमा जी के कार्यक्रम, पंजाब हरियाणा राजस्थान पश्चिम बंगाल हो केरल कर्नाटक कोई सा राज्य हो इतनी बड़ी ताकत में आ जाओ, इस ताकत को निरंतर बनाए रखो। ये भीम आर्मी का गढ़, ये पार्टी का गढ़, ये बहुजन मूवमेंट का गढ़ बन चुका है सहारनपुर। सहारनपुर के मेरे साथी जहाँ जहाँ जाए अपने आप को महत्वपूर्ण व्यक्ति समझ करके सिर्फ प्रचार करने का काम करें, और अगर इतना नाम भी आप ले देंगे कि मैं सहारनपुर की सर जमीन आया हूँ तो आपकी जाति और आपका धर्म आपसे कोई पूछेगा नहीं, पूरे भारत के अंदर नहीं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जो समय चल रहा ये तो आज की सभा, मैं लगभग पहली ऐसी सभा में गया हूँ समाज की जहां पर दुख के साथ साथ मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए पूर्ण जोर ताकत और कोशिश की गई है। मैं अपने बाबा जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ कि इस प्रथा को बीमारी के लोग निरंतर आगे बढ़ाने का काम, मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे कि अगर हमारे घर में विवाह हो, हमारे कोई तीज त्यौहार हो, हमारे घर में कोई दुख होगा, तब भी हम मूवमेंट की कमान को लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं ये भी प्रण करता हूँ साथियों, आप सब लोगों ने मुझे सुना, मेरी बातों को ऊपर गौर किया, मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। अभी आपका छोटा भाई हूँ, बेटा हूँ, बच्चा हूँ, आशीर्वाद बनाकर रखिएगा, क्योंकि अगर आपका आशीर्वाद बना रहा तो ये जो लड़ाई है ये इतनी मजबूत कर दी जाएगी कि आने वाले नस्लों को लड़ने की आदत करनी पड़ेगी। जय भीम, जय भीम आर्मी, जय संविधान, जय समर्पण।